भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मथुरा नगरी में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इस वर्ष 26 अगस्त की रात को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मदिन के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी मथुरा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने जन्मभूमि के सभी संपर्क मार्गों पर जूता घर और सामान रखने की व्यवस्था की है। साथ ही प्रमुख स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। मंदिर प्रशासन ने अभी तक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खुलने की जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन प्रसाद की तैयारी की जा रही है, जिसमें जल्दी ना खराब होने वाली वस्तुओं को शामिल किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकारी सतर्क हैं। पुलिस प्रशासन ने भी मथुरा में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। आगरा जोन के पुलिस अधिकारियों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जिला प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए नियमित बल के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की भी तैनाती की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं को इस बार पहले से भी अधिक सुरक्षित और सुगम माहौल में दर्शन की सुविधा मिलेगी। दर्शकों के लिए विशेष जानकारी जारी की गई है, जो इस तरह है। मथुरा में जन्माष्टमी के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश के समय प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पेयजल और प्रसाद की सुविधाओं के लिए विभिन्न केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी जानकारी स्थानीय प्रशासन द्वारा दी जाएगी। पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। कृपया किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना निकटतम पुलिस बल को दें। मथुरा में चल रही कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें द खबरदार न्यूज के साथ में। तब तक देखते रहें द खबरदार न्यूज। नमस्कार।